नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है। जनपद गोंडा कोतवाली करनैलगंज के अंतर्गत नगर के सकरौरा चौराहे के पास स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के समीप शव मिलने से मचा हड़कंप। जब एक अज्ञात व्यक्ति का शव बैंक के ठीक बगल पड़ा दिखा, शव को देख इकट्ठा हुई भीड़। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली करनैलगंज पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की छानबीन शुरू की। उन्होंने स्थानीय लोगों से शव की पहचान कराई, लेकिन मृतक व्यक्ति की पहचान कोई नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मौत की अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस जुट गई। छानबीन में पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम शाहिद वारसी उर्फ जिंकल है, जो करनैलगंज नगर के सकरौरा मोहल्ले का निवासी है। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपनी छानबीन शुरू कर दी है। मौत की अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, थाना कोतवाली करनगंज क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, क्या कार्रवाई की जा रही पुलिस की तरफ? आज प्रातः कोतवाली करनैलगंज थाने पर ये सूचना आई थी कि ग्रामीण बैंक जो कि हाईवे के किनारे है, उसके पास में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और पुलिस ने पहुंच के आसपास के लोगों को बुलाया तो इसकी पहचान जो है जिनकन उर्फ शाहिद वारसी, पिता का नाम जुबेर वारसी, जो कि वही करनैलगंज कस्बे का ही सकरौरा मोहल्ले का रहने वाला है। और प्रथम दृष्टया इसके शरीर को और आसपास घटनास्थल को देखने पर कोई आपराधिक गतिविधि नजर नहीं आ रही है, कोई शरीर पर जहरा चोट भी नहीं है। और इसके परिवार वाले भी मौके पर आ गए हैं और उन्होंने भी कोई दुश्मनी या रंजिश कोई बात नहीं बताई है, लेकिन मृत्यु का कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पंचायतनामा भर दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 से अमरेश प्रजापति के साथ प्रदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट।